हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेकलिस्ट वीडियो ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। आज हम बात करेंगे क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो अब तक जेई मेन या नीट में पूछे जा चुके हैं या आने वाले सालों में जेई मेन या नीट में पूछे जा सकते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स पे लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस का फंडामेंटल लेवल इतना इजी होता है, या हम ये कहें कि इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर इस गाइडेड चेकलिस्ट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं और सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चंस फ्लूइड स्टैटिक्स के ढंग से देख लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट टू बूस्ट यूर सेल्फ फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। ना सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स पे जाने के लिए भी फ्लूइड स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस को भी इजीली हैंडल करने के लिए फ्लूइड स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। हम चेकलिस्ट वीडियो में जो सैंपल आपको बताया गया था कि किस तरह से कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनानी है, उस वीडियो में हम ये बता चुके हैं। जो बुक हमने रिकमेंड करी थी, फिजिक्स गैलेक्सी प्रीवियस 18 इयर्स के सॉल्यूशंस की बुक, इस बुक में हर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट लेवल पे क्वेश्चंस का कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सारे पिछले 18 सालों के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स कंपाइल किए गए हैं इस बुक के अंदर। इस बुक से आप अच्छी तरीके से थॉरली अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो यू कैन फॉलो द सेम, बट इट्स अप टू यू कि कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट कितनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड आप बनाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स का टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के साथ बहुत सारे आने वाले टॉपिक्स भी जुड़े हैं। फ्लूइड डायनामिक्स अप टू सम लेवल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी ये चैप्टर काम आता है। सो बहुत क्विकली हम फ्लूइड स्टैटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। आई विश यू स्टे ट्यून्ड टिल द चेकलिस्ट वीडियो एंड्स। सो लेट्स कैरी ऑन विद फ्लूइड स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड बॉडी। सबसे पहली चीज फ्लूइड स्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए, यानी फ्लूइड एट रेस्ट को स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है हम वो सारी चीजें रिकॉल करें जिन चीजों का फ्लूइड एट रेस्ट से लिंक्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड बॉडी, जिसमें हमें दो चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो है प्रेशर की डायरेक्शन और दूसरी है प्रेशर का मैग्नीट्यूड। जब हम डायरेक्शन की बात करें तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर भी हम डायरेक्शन की बात करें, यू नीड टू कीप इन माइंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट स्टिल वी टॉक अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज ये है कि इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो वो सभी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक सिचुएशन लेता हूं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पोजी एक कंटेनर विद अ लिक्विड ओपन करो। थैंक यू। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, कंटेनर दिया गया जिसमें लिक्विड फिलअप किया हुआ है, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड एक्ट करी, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द कंटेनर फ्री सरफेस जो लिक्विड कंटेनर में है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है इसे हम कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ उसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है दिस कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी की वजह से ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, या हमेशा इस बात को ध्यान में रखें जो फ्री सरफेस होती है वो उस कंटेनर पे नेट जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगी। किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल हो तो लिक्विड की फ्री सरफेस अपने आप वर्टिकल हो जाएगी। एनीवे, राइट नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू इट, डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एक ये पॉइंट कंसीडर किया जाए जो क्वेश्चन इस सिचुएशन में दिख रहा है हमारे पास, पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर अगर हम प्रेशर की बात करें तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस पे प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी इसकी सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो इस पॉइंट को चारों तरफ से इनवर्ड पुश करेगा। सो प्रेशर जो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा हर पॉइंट पे इन ऑल डायरेक्शंस इनवर्ड प्रेशर एक्ट करेगा लाइक दिस। यानी कोई भी पॉइंट फ्लूइड में ऐसा नहीं है जहां पे सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा हो। सो फ्लूइड के कांटेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, फ्लूइड के एक पार्टिकल के कांटेक्ट में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से उस पॉइंट को इनवर्ड पुश करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रेशर के मैग्नीट्यूड की बात करें और ये कंसिडर किया जाए, ये फ्री सर्फेस से एच डेप्थ नीचे है। सो आप सबको पता है ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच प्रेशर क्या होता है। अगर यहाँ पे ऊपर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रेशर? इसका सिग्निफिकेंस होता है कभी भी हमको फ्लूइड के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो इस प्रेशर से हम निकालेंगे। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे मैं
एक क्यूबॉइड रख देता हूँ, एक बॉक्स प्लेस कर देता हूँ फ्लूइड के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं बॉक्स की 6 सर्फेसेस होंगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अप डाउन। इन द सिचुएशन इस सरफेस पे, यानी अगर मैं टॉप सरफेस पे देखूं, तो इससे ऊपर जितने भी लिक्विड पार्टिकल होंगे वो इस सरफेस को डाउनवर्ड पुश करेंगे, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इन सारे प्रेशर के अगर कंपोनेंट्स लिए जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल सारे लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड होंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर लिक्विड है तो उनका डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट एड अप होगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा F1। एक पॉइंट की बात करेंगे तो हर पॉइंट पे नेट फोर्स हमेशा कैंसिल होगा, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं सबकी ऑल डायरेक्शन एक्ट कर रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑल कंपोनेंट्स गेट्स कैंसिल आउट, सो ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड बॉडी नेट फोर्स इज जीरो। बट अगर कोई दूसरी बॉडी रखी है तो फ्लूइड पार्टिकल सरफेस में कॉन्टैक्ट की वजह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं इस सरफेस पे इनवर्ड फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा, नीचे ऊपर लगेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप एंड डाउन हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एक्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ बॉडी। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, फ्लूइड प्रेशर हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, चाहे जैसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस हो। एक सिचुएशन और लेते हैं सो दैट इट विल बिकम क्लियर टू यू। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे हम फ्लूइड प्रेशर का ही एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर फ्लूइड के ऊपर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, दैट मींस उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो जो पार्ट फ्लूइड के अंदर है, हम जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लूइड पॉइंट्स इस बॉडी के कॉन्टैक्ट में होंगे, उन पॉइंट पे ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर जो फोर्स लगेगा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। आप देखें अगर ये बॉडी रेस्ट पे फ्लोट कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टल इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इनका हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो इन सब का नेट अपवर्ड फोर्स है इसको हम कर सकते हैं एफ अप। ये जो फोर्स होगा जिसको हम कह सकते हैं एफ अप, ये इस बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है। सो यहां पे लॉ ऑफ रोटेशन को डायरेक्टली आप कह सकते हैं अपवर्ड फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर बैलेंसेस इट्स वेट। डायरेक्टली आप लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कह सकते हैं, यहां पे जो एफ अपवर्ड होगा वो इसके एम जी के बराबर होगा, क्योंकि बॉडी का वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहां पे जो ये नेट एफ अपवर्ड फोर्स है इसको एक स्पेसिफिक नेम से हम जानते हैं, आप सबको पता है, दिस व्हाट वी कॉल्ड बॉयंट फोर्स। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि नेट फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बैलेंसेज द वेट ऑफ बॉडी। इसी एफ अपवर्ड को हम साथ में कहेंगे बॉयंट फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब इसी बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें और बात कर लेते हैं। All of you are well aware about Archimedes Principle. अगर हम Archimedes Principle की बात करें तो Archimedes Principle ये कहता है कि net buoyancy force acting on a body is equal to weight of liquid displaced. अब आप यहाँ पे देखें F up को calculate करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका तो ये है कि H rho G की वजह से जो points पे pressure निकला उस pressure के force को हम integrate करके body पे net upward force निकाल लें। दूसरा तरीका उसी का direct derivation है। आप यहां पे देखें जो मैं शेडेड वॉल्यूम ड्रॉ कर रहा हूं एचिंग से, इस एचिंग से जो मैंने शेडेड वॉल्यूम को ड्रॉ किया है ये वो लिक्विड है जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। तो यहां पे अगर हम बात करें शेडेड वॉल्यूम की, अगर ये शेडेड वॉल्यूम V के बराबर है और लिक्विड की डेंसिटी की बात की जाए और लिक्विड डेंसिटी रो है, तो आप यहां देख सकते हैं इस फ्लोटिंग बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया वी वॉल्यूम के बराबर, लिक्विड का मास है रो। सो यहां फोर्स ऑफ बॉयंसी डायरेक्टली आप डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी यहां पे होगा एफ अप इज इक्वल्स टू वी रो जी व्हिच इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो ये सिंपल पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। किसी भी केस में अगर बॉडी पूरी सबमर्ज्ड है तो बॉडी के पूरे वॉल्यूम के बराबर उसका लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, तो बॉयंसी फोर्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है मल्टीप्लाइड बाय जी दैट विल बी इट्स वेट। एक कॉन्सेप्ट इसी पे आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड पे मैं चाहूंगा आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है उसके वेट के बराबर। आइए आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर।
थैंक यू पोजी. सो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपरेंट वेट ऑफ अ सबमर्ज बॉडी. स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, हमें वही कंटेनर दिया हुआ है, एक लिक्विड फिल्ड है और इसमें एक बॉडी सबमर्ज की गई है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर द बॉडी इज फ्लोटिंग और नॉट विद इन द लिक्विड. हम यहाँ पे बात करें बॉडी सबमर्ज है तो इस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे. पहला फोर्स तो इस पर एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटी का mg, और दूसरा फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी. बॉयंसी फोर्स क्यों लग रहा है एक बार फिर बता देता हूँ. ऊपर के पार्टिकल्स क्योंकि अपर हाइट पे है, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो जो डाउनवर्ड इस पे अपर फोर्स लगेंगे उनका जो नेट डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो कम होगा, और जो नीचे पार्टिकल्स फ्लूइड के कांटेक्ट में उनकी वजह से जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा. तो फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेज है उनका डिफरेंस नेट अपवर्ड होगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर प्रेशर कम है हाइट ज़्यादा होने की वजह से. सो नेट अपवर्ड फोर्स बॉयंसी एक्ट कर रहा है. इस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे हम बात करें बॉडी वॉल्यूम की, सो बॉडी वॉल्यूम अगर यहाँ पे V है तो अपवर्ड बॉयंसी फोर्स होगा V रो G, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और सॉलिड जो है, इस सॉलिड की डेंसिटी अगर रो S है तो यहाँ पे M मास को लिखा जा सकता है, सेम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड. सो V रो S G इज द टोटल वेट ऑफ बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉयंसी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ बॉयंसी की वजह से इनसाइड द लिक्विड बॉडी हल्की फील होती है अगर आप उठाएंगे तो, क्योंकि लिक्विड इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो आपके हाथों पे अगर इसको उठाने की कोशिश करें अगर पानी में सबमर्ज होके लिक्विड में अंदर जाके तो सर्टेनली ये बॉडी हल्की फील होगी. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें अपरेंट वेट या इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी, तो इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड यू कैन सिंपली राइट नेट डब्ल्यू इफेक्टिव को आप कह सकते हैं इसका वेट mg माइनस v इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू g, क्योंकि वेट तो mg है लेकिन अपवर्ड बॉयंट फोर्स की वजह से ये लाइटर फील होता है. अगर अंदर आप इसको एक वेइंग मशीन पे भी रखेंगे और ऐसी वेइंग मशीन जो सिर्फ इस बॉडी को वे कर रही है तो उसका वेट रिलेटिवली कम आएगा. इन किलोग्राम फोर्स आप वेट निकाल के डिवाइडेड बाई जी कर दीजिए, आपके पास वेट की वैल्यू आ जाएगी. अगर इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग किया हुआ है तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, वो करेगा mg माइनस v रो g डिवाइडेड बाय g इन किलोग्राम्स. हमेशा ध्यान रखें, ये अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में विंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस में भी बात कर चुके हैं कि वो नॉर्मल रिएक्शन या स्प्रिंग टेंशन रीड करते हैं, किलोग्राम फोर्स, उसके लिए फोर्स को आपको जी से डिवाइड करना ज़रूरी है. इसी चीज़ को आप फर्दर रीराइट कर सकते हैं. अगर आप इस वेट mg की बात करें तो वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाय रो ऑफ सॉलिड. इस रिलेशन को ध्यान रखें. कई चैप्टर्स के अंदर जब सबमर्ज बॉडी आपके सामने आएंगी तो उस बॉडी का इफेक्टिव वेट यू विल गिव एज mg 1 माइनस रो एल बाय रो एस. अगर मेजर्ड वेट की बात करेंगे तो ये होगा W इफेक्टिव डिवाइडेड बाय G, यानी ये होगा M मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रो एल बाय रो एस. इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, कई चैप्टर्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो नेक्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे तीन इलस्ट्रेटिव सिचुएशंस आपको दिख रही हैं. इन तीनों सिचुएशंस हम पास्कल्स लॉ के बारे में क्विकली रिकैप लेंगे. दो तरह से पास्कल्स लॉ को डिफाइन किया जाता है. पहला पॉइंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी फ्लूइड पे एक्ट करता है उसकी फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर रहती है, और हम ये कह सकते हैं कि फ्री सरफेस के पैरेलल जितनी भी सरफेसेस होंगी फ्लूइड बॉडी में उन सब पे प्रेशर इक्वल रहता है. यानी अगर हम फर्स्ट केस में बात करें, एक लिक्विड है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में फिल किया हुआ और एक कोनिकल वेसल इसी सिलेंड्रिकल कंटेनर से जुड़ा है, तो इस फ्री सरफेस की बात करें तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे आप ये कह सकते हैं इन सब के ऊपर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस फ्री सरफेस. अब फ्री सरफेस के पैरेलल कोई भी एक लेयर ले लीजिए, यानी मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ एक्स, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ वाई, और क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टेड है यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ जेड वन और एक पॉइंट लेता हूँ जेड टू. क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर या एक ही लेयर के ऊपर लोकेटेड है विच इज पैरेलल टू फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, तो इन सब पे प्रेशर इक्वल होगा. हम ये कह सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड वन इक्वल्स टू पी जेड टू. और अगर ये लेयर फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड से एच डेप्थ पे है तो यहाँ प्रेशर होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी. आप हमेशा ध्यान रखें दिस प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ शेप ऑफ वेसल
वेसल की शेप कैसी भी हो, आप हमेशा ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर एक्ट करेगा वो वेसल की शेप से इंडिपेंडेंट होगा. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम एक और केस लें जिसके अंदर एक यूट्यूब में दो लिक्विड फिलअप किए हुए हैं, आप ध्यान रखिए इस पे बेस कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. अगर दो लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी रो वन है, एक की डेंसिटी रो टू है, तो यहाँ पे रो टू की वैल्यू रो वन से ज़्यादा होगी तो सेकेंड वाला लिक्विड हैवी होने की वजह से फर्स्ट लिक्विड को थोड़ा डिस्प्लेस कर देगा. लेकिन हर पॉइंट पे हम ये देखें, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया जाए और इसी लाइन पे या इसी लेयर पे सेकंड लिक्विड में यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया जाए तो प्रेशर एट ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर एट बी. या आप निकाल सकते हैं अगर यहाँ से बी एच डेप्थ पे है तो बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो होगा पी एटमोसफेरिक प्लस एच रो टू जी. रो टू इज द डेंसिटी ऑफ द सेकेंड लिक्विड विच इज़ हायर. अगर लेफ्ट साइड से निकालना चाहें तो हम ये देख सकते हैं अगर ये लिक्विड यहां से H1 डेप्थ नीचे ये पॉइंट ए लोकेटेड है और H2 इज द हाइट ऑफ दिस फर्स्ट लिक्विड, तो आप यहां पे इसी प्रेशर को लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस ड्यू टू द डेप्थ एच टू ऑफ लिक्विड रो वन, आप लिखेंगे एच टू रो वन जी प्लस एच वन डेप्थ नीचे पॉइंट ए है जो रो टू डेंसिटी का लिक्विड है, आप यहां लिखेंगे एच वन रो टू जी. ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों पॉइंट इसी सेकेंड लिक्विड में. गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं जब पास्कल्स लॉ या पास्कल्स इक्वेशन लिख के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो दो अलग अलग लिक्विड में यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई पॉइंट लेके इन दोनों के प्रेशर्स को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों एक ही लेयर में हैं और वो लेयर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के पैरेलल है. तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि दोनों पॉइंट अगर अलग अलग लिक्विड के अंदर हैं, अलग अलग फ्लूइड बॉडी में हैं, तो हम प्रेशर इक्वेट नहीं कर सकते. ऑल्दो प्रेशर हम एड अप कर सकते हैं, इस पॉइंट तक जाने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी इधर आ सकते हैं. So, जितने भी केसेस में आप पास्कल्स इक्वेशन लिखेंगे या प्रेशर इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं लिखेंगे, सो आपको ये केयरफुल रहना है कि एक ही लिक्विड में आप लिख रहे हैं या मल्टीपल लिक्विड्स कॉन्टैक्ट में उनके लिए लिख रहे हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखें आप नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर को एडअप कीजिए, ऊपर आ रहे हैं तो प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कीजिए. सेकेंड केस हम लेते हैं, पास्कल्स लॉ को दूसरे तरह से डिफाइन किया जाता है. एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, हम ये अज्यूम करते हैं कॉर्क से बंद था, ये कहीं से भी एटमॉस्फेयर में कनेक्टेड नहीं था. सो किसी भी एक पॉइंट एम पे जो कि एच डेप्थ नीचे है, क्योंकि अब ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई प्रेशर कंसीडर नहीं किया जाएगा. अगर एम पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो बिफोर ओपनिंग द कॉर्क, इस कॉर्क को ओपन करने से पहले हम ये लिखेंगे प्रेशर एट पॉइंट एम इज ओनली एच रो जी इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड. लेकिन अगर एक बार हमने कॉर्क ओपन किया तो फ्लूइड के एक पॉइंट पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा. पास्कल सेकेंड लॉ यही कहता है. पास्कल्स लॉ को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि फ्लूइड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो पूरी फ्लूइड बॉडी में वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यानी अगर यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हुआ तो अकॉर्डिंग टू द इनिशियल सिचुएशन हमने बात करी, इस पूरी लेयर के ऊपर प्रेशर अब पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा. अगर इस पूरी लेयर पे प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स इक्वेशन एम पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं आफ्टर ओपनिंग द कॉर्क प्रेशर एट पॉइंट एम विल बिकम पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, क्योंकि इस लेयर का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है तो एच डेप्थ नीचे इट विल बी पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी. आप ये ध्यान रखें विद दिस एग्जाम्पल फ्लूइड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं है टॉप पे, नीचे भी हो सकता है, अगर हमने पी एटमॉस्फेरिक या कोई भी एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो फ्लूइड बॉडी के हर पॉइंट पे प्रेशर उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा. पहले एच रो जी था, अब यहाँ पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो नया प्रेशर हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रेशर प्रोपागेशन का कॉन्सेप्ट है जिसपे हाइड्रोलिक पैस या कई तरह के केसेस हैंडल कर सकते हैं जिन पे क्वेश्चंस भी आए. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, पास्कल्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है. आप इस फिगर को देखिए जिसमें एक पाइप दिखाई दे रहा है जिसमें एक तरफ छोटा क्रॉस सेक्शन है, दूसरी तरफ बड़ा क्रॉस सेक्शन है. दो पिस्टन लगे हैं जिनका एरिया ए वन ए टू है और इनके बीच में एक लिक्विड एक फ्लूइड बॉडी ट्रैप की गई है. इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो पूरी फ्लूइड में किसी भी लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो किसी भी लेयर पे हॉरिजॉन्टल
लेवल पे हम ये कह सकते हैं प्रेशर सेम होगा, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है तो नेट फोर्स ऑन दिस पिस्टन इन आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी मोर, क्योंकि हम बात कर चुके हैं फ्लूइड कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, और इस वाले पिस्टन पे फ्लूइड लेफ्ट में कम फोर्स लगाएगा। तो जब इसे छोड़ेंगे तो ये वाला पिस्टन लेफ्ट में मूव करेगा, ये राइट में मूव करेगा, और इन दोनों पे फोर्सेस फ्लूइड की वजह से अलग अलग लगेंगे। यहाँ हम बात करें कि अगर हम फ्लूइड को रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा F1 और राइट में इस पिस्टन पे फोर्स लगाना पड़ेगा F2, और ये दोनों फोर्सेज अलग अलग होंगे। हम एक बात जरूर कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटे हैं, हाइट ऑफ पिस्टन कंपेयर टू द हाइट अबव द अर्थ सरफेस या टोटल इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, यानी टॉप और बॉटम पॉइंट ऑफ पाइप का अर्थ के कंपैरिजन में हम देखें कोई जी में वेरिएशन नहीं आ रहा है और ये हाइट नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इस पिस्टन पे हमने कितना प्रेशर लगाया होगा। प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा F1 डिवाइडेड बाई A1। हम फ्लूइड बॉडी पे ये कह सकते हैं एक्सटर्नली प्रेशर इस पिस्टन के थ्रू लगाया जा रहा है F1 बाई A1। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा, इस फ्लूइड की पूरी बॉडी में प्रेशर F1 बाई A1 अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा या एग्जिस्ट करने लगेगा। सो इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो सेकंड पिस्टन है आउटवर्ड फ्लूइड से पुश होगा विद दिस प्रेशर, क्योंकि हमने इसकी हाइट को नेगलेक्ट किया है, तो इसके अंदर फ्लूइड का खुद का कोई इंटरनल प्रेशर हम कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं होगा। सो F1 बाई A1 से ये फ्लूइड आउटवर्ड पुश होगा, तो इस पिस्टन को रोकने के लिए हमें F2 फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये F2 इतना होना चाहिए कि जितना आउटवर्ड फोर्सेस पिस्टन के ऊपर फ्लूइड लगा रहा है उससे बैलेंस करे। तो आउटवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा हम ये कह सकते हैं F1 बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई A2, दिस हैज टू बी बैलेंस बाई F2, यानी जो प्रेशर इस राइट साइड के फोर्स ने एग्जर्ट किया और जो लेफ्ट ने एग्जर्ट किया, इट हैज टू बी इक्वल, लेकिन दोनों तरफ के फोर्स अलग अलग होंगे। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपने कई बार ऑटोमोबाइल वर्क स्टेशन में वर्कशॉप्स में देखा होगा कि भारी भारी कारों को ट्रकों को एक लिफ्ट से ऊपर एलिवेट कर दिया जाता है बाय यूजिंग अ वेरी स्मॉल लीवर। एक पर्सन एक छोटे से लीवर को बार बार पुश करता रहता है और कार ऊपर चली जाती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यूज नहीं होता, सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है। वो कैसे काम करता है, कैसे हमारे हाथ का लगाया गया छोटा सा फोर्स एक भारी भरकम कार या ट्रक को लिफ्ट कर देता है, ये उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पोजी प्लीज हाइड्रोलिक लिफ्ट को ओपन करो, थैंक यू भोजी। सो आप ये फिगर देख सकते हैं, दिस इज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट फिगर, जिसमें एक तरफ एक छोटे क्रॉस सेक्शन का पाइप होता है जिस पे एक छोटा पिस्टन लगा है, दूसरी तरफ एक ब्रॉड क्रॉस सेक्शन पाइप होता है या ब्रॉड क्रॉस सेक्शन होता है जहाँ पे एक बड़ा पिस्टन होता है। इस पिस्टन के ऊपर एक हम हैवी वेट अगर रख दें, एंड दिस वेट मे बी ऑफ मास कैपिटल M, एक काफ़ी बड़ा वेट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इसके ऊपर रखा हुआ है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम यहाँ पे इस छोटे पिस्टन पे एक F1 फोर्स लगाएं, तो आप ये देख सकते हैं छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से अंदर जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा वो होगा F1 बाई A1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ पूरे सिस्टम में जहां तक ये फ्लूइड भरा हुआ है हर जगह प्रेशर F1 बाई A1 अमाउंट से इंक्रीज होगा। यानी अब ये जो लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगाएगा इस पिस्टन पे, ये वाला फोर्स होगा F2 विच यू कैन राइट एज पी एक्सेस, जो हमने छोटे से पाइप में इंक्रीज किया उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया A2, क्योंकि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। यानी इस बॉडी पे जो अपवर्ड नेट फोर्स लग रहा है F2 वो होगा F1 बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, और यहां पे आप देख सकते हैं इफ A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, दिस इंप्लाइज अगर A2 A1 से बहुत ज्यादा है तो F2 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। यानी बहुत छोटे से फोर्स से हम बहुत हाई फोर्स हाइड्रोलिक लिफ्ट में जनरेट कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत हैवी वेट भी रखा हुआ है, तो ये लिक्विड का जो प्रेशर है जो छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जनरेट हुआ था वो इस पूरे हैवी ब्लॉक को या हैवी बॉडी को या कार्स या ट्रक्स को भी लिफ्ट करके ऊपर उठा सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे हम फोर्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय चेंजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद आउटर सर्फेसिस। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बिल्ड होते हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर प्रोपागेशन कहें या पास्कल्स लॉ कहें, इस चीज को अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चन आप डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की ओर। ओजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो।
थैंक यू भोजी. एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ वेसल, जिसका मैं सिर्फ रिजल्ट यहाँ पे एनालाइज करूंगा. इट विल हार्डली टेक कपल ऑफ अ सेकंड. बट इसके डेरिवेशंस पे अगर जाना है तो कई तरह के वैरायटी ऑफ केसेस हमने पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में लिए हैं. आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट जाके कॉन्सेप्ट वीडियोज पे इन डेप्थ स्टडी करें. दैट विल ऑल्सो नॉट रिक्वायर मोर देन 30-35 मिनट्स. आप X1.5 X2 स्पीड पे पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में इन डेप्थ सारे केसेज और इलस्ट्रेशन देख सकते हैं. अगर हमारे पास एक वेसल दिया हुआ है जिसमें एच हाइट तक लिक्विड फिलअप किया हुआ है, अगर लिक्विड के वेट की वजह से हम प्रेशर की बात करें, जिसे हम गॉज प्रेशर भी कहते हैं, सो बॉटम ऑफ टैंक पे अगर देखा जाएगा तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा एच रो जी गॉज प्रेशर. और नेट प्रेशर की हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर की वजह से ये एक्ट करेगा पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी. जो नेट प्रेशर बॉटम पे होगा, दिस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, और नेट प्रेशर यहाँ पे होगा पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी. इसी तरह से अगर हम एवरेज प्रेशर की बात करें ऑन साइड वॉल, तो आप ये देख सकते हैं साइड वॉल पे ऊपर हाइट कम होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा और फोर्स भी बढ़ता जाएगा. बॉटम पे फोर्स मैक्सिमम होगा, बीच में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा. तो साइड वॉल पे जब हम एवरेज प्रेशर की बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी एच रो जी बाई टू. जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि साइड वॉल पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो बॉटम के प्रेशर का हाफ होता है. इसका डेरिवेशन भी आप इजीली कर सकते हैं. छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेके फोर्स ऑन साइड वॉल इंटीग्रेट कीजिए और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कीजिए. अगर कोई कन्फ्यूजन आता है आप क्विकली पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जो फ्लूइड का चैप्टर दिया है, फ्लूइड स्टैटिक्स में ये सारे डेरिवेशंस डिटेल में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं. लास्ट मोमेंट पे नीट या जेई मेन के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए रिजल्ट ज़्यादा जरूरी है, जिनको आपको ध्यान में रखना है. आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की ओर. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट हम अब आ गए हैं अपनी चेकलिस्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है बेसिक चीजों को एक बार वापस से इस चेकलिस्ट में ही रिव्यू किया जाए. आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे भी कई बार क्वेश्चन जेई मेन में या नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं. बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछे जाते हैं. अगर एक कंटेनर को कंसिडर किया जाए जिसमें लिक्विड फिलअप किया हुआ है, तो आपको पता है कंटेनर की फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है. अगर इस कंटेनर को एक्सेलरेट कराया जाए, सो ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर अंदर जो लिक्विड है उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जिससे इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाती है. ड्यू टू चेंज इन इफेक्टिव ग्रेविटी फ्री सरफेस की शेप भी या उसकी अलाइनमेंट भी चेंज होती है. आइए देखते हैं कैसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ. पोजी प्लीज सिचुएशन को ओपन करो. फाइन, आप देख सकते हैं ये एक कंटेनर है जो रेस्ट पे है जिसमें लिक्विड है. यहाँ पे जी एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जी के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है. हर पॉइंट पे इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अगर कंटेनर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो लिक्विड पे जो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा वो बैकवर्ड एक्ट करेगा. सो इसका जो स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन है इन द फ्रेम ऑफ कंटेनर, आप ये देखें इस लिक्विड के ऊपर बैकवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट करेगा. दिस एक्सेलरेशन ऑन लिक्विड इन फ्रेम ऑफ कंटेनर, आप ये कह सकते हैं ड्यू टू स्यूडो फोर्स. ये वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जो इसके इफेक्टिव वेट और इफेक्टिव स्यूडो फोर्स की वजह से है. सो इस ए और जी का हम रिजल्टेंट देखें तो वो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, विच यू कैन कॉल एज जी इफेक्टिव, और वैल्यू होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी कई जगहों पे काम आएगा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इवन इन केसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी इफेक्टिव ग्रेविटी कॉन्सेप्ट काम आता है. यहाँ पे हम ये देखें कि ए और जी का रिजल्टिंग इफेक्टिव एक्सेलरेशन इधर है. एंगल आप देखना चाहेंगे वर्टिकल से, इसका एंगल अगर थीटा है सो यहाँ थीटा को लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी, बिकॉज दिस ओनली द वैक्टर सम ऑफ ए एंड जी. So, जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगी वो इस इफेक्टिव ग्रेविटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, यानी हॉरिजॉन्टल से ये भी थीटा एंगल पे ही टिल्टेड होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस तरह से एडजस्टेड है कि एट एवरी पॉइंट इन दिस फ्री सरफेस प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ऑल पॉइंट्स रिमेन इक्वल. यानी अगर मैं यहां पे पॉइंट्स कंसिडर करूं ए
बी और सी आप ये देखें, तीनों पॉइंट क्योंकि एक ऐसी लेयर पे हैं जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। और इसका वैल्यू क्या होगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा है और अगर ये वाली लेयर यहाँ से एच डेप्थ पे है, और डेप्थ ये आप ध्यान रखेंगे कि जो एच डेप्थ ली गई है वो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में ली गई है, सो दिस विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस H rho G effective, this is what you need to use. इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट मैं इन डेप्थ कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि JEE Main या NEET में इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल है। कई और केसेस होते हैं जो बूस्टर चेकलिस्ट जब फ्लूइड की बात करेंगे तो हम JEE एडवांस या ओलंपियाड के लिए डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दिस द एक्सट्रीम लेवल सिचुएशन जो JEE Main या NEET में पूछी जा सकती है, आपको इस लेवल पे ध्यान रखना है। जितने केसेज मैंने यहाँ पे लिए हैं आप ये मान के चलिए, अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट हमारी प्रीवियस 18 ईयर्स की सॉल्यूशन की बुक से कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाते हैं, उन कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट का हर कॉन्सेप्ट इस गाइडेड चेकलिस्ट में फ्लूइड स्टैटिक्स से मैप हो जाएगा। आप अच्छी तरह से रिव्यू कीजिए बिकॉज नेक्स्ट चेकलिस्ट विल बी ऑन फ्लूइड डायनामिक्स, जिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सो आई विश आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाएं, उन वीडियो से थोरोली इन डेप्थ चीजों को रिव्यू करें और वापस इस चेकलिस्ट को यूज करें। विश यू ऑल द बेस्ट।